के अंदर तो वो ऑब्वियसली नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे है, बट बिगेट्रॉन ऊपर आती है 284-283। ऑलराइट, आखिरी मैच यहां पर वापस से आरआरक्यू को टॉप पोजीशन के लिए रहेगा, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। बट गैलेक्सी रेसिस सेल्स, उनको एक पोजीशन का ड्रॉप देखने को मिल रहा है, क्योंकि बॉक्स गेमिंग दो चिकन डिनर्स लेकर के अपने आप को ऊपर देख रहे हैं। 5 पॉइंट्स का डिफरेंस इन दोनों टीम्स के अंदर भी है। किंग ऑफ गेमर्स है, मेगा स्टार्स है, टीम सीक्रेट है, टी1 और इंस्टॉक्स एनर्जी है, सब टीम्स यहां पर रहेंगी। बट देन हमारे लिए मेजर चीज वही रहती है कि आज के दिन 16th स्पॉट किस टीम का रहेगा। जी हाँ, वो 16th पोजीशन कौन सी टीम के खामे में रहेगी और कौन सी टीम अभी टॉप 16 एंटर करेगी, क्योंकि नो चांस टीम बहुत ज्यादा दिक्कतों में थी। यूडू गैंग के लिए भी एक सरप्राइज फैक्टर वो रहेगा कि क्या वो अपना जो सुपर वीकेंड नंबर 2 है उसको खत्म करेंगे टॉप 16 में। यस, यू लेवल अप ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं नो चांस टीम से। फ्री स्टाइल अगर आखिरी गेम में वो एक चिकन डिनर परफॉर्मेंस निकालते तो वो भी एक स्टेप करीब होंगे टॉप 16 के अंदर आने में। आई मीन एक हफ्ते में जब नो चांस टीम नहीं कर रही तब तो फ्री स्टाइल को कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा। ये मैच आएंगे सिर्फ खेल ले तब भी वो अपने ऊपर देखेगी, यूडू गैंग नीचे आ जाएगी, कोई स्किल पॉइंट्स है 161, एक पॉइंट तो मिलेगा आईएनडी को। अगर सिर्फ खेलने की हम बात करें तो यूडू गैंग वहां भी नीचे जाएगी। उसके बाद आईएनडी कितने पॉइंट्स एक्युमुलेट करते हैं, अगर रिजेक्ट स्कारलेट एक चिकन डिनर ले लेती है, एक किल और वो कर दे तब भी वो ऊपर जाएंगे। सो यूडू गैंग के लिए अब यही चीज आती है, दे विल बी शिफ्टेड डाउन फ्रॉम 13 to 14, 15, किसी ऐसी पॉइंट्स पर, ऐसी प्लेसमेंट पर वो आ जाएंगे। एंड कल के दिन के लिए और मुश्किल है। एग्जैक्टली, मैं यही बोलने वाला था कि अभी तो कल का दिन भी बचा है और वहां भी 5 मैचेस होने वाले, तो यूडू गैंग फाइनली ड्रॉप डाउन होकर कहां पे रहेगी। और इन सारे टाइम में जब ये टीम्स जो है हमारी जो 16 टीम सुपर वीकेंड खेल रही है, आई एम प्रीटी श्योर यू